शकील बिन अनीब को ईसा अलैहि सलाम मानते कि नहीं? हाँ या ना? बिल्कुल हम लोग मानते ना भाई, वो शख्स वही है ना। क्या मानते? ईसा कि वो वही शख्स है, मेहंदी और ईसा एक ही शख्स है। अभी तक बात चल रही ना, तो अभी चालू होगा ना मामला, तो भाई वही तो बात। धीरे धीरे फिर जो है अभी यहाँ से जो स्टार्ट करूंगा ना मैं। अरे आप मानते बोल तो है ना, बोल से बोलो क्या मानते? शकील बिन अनीब को हम लोग ईसा अलैहि सलाम मानते, हम लोग उनको ईसा ही मानते। बिल्कुल सही बात है, ये बात समझ आई। आप सुनो क्या मानते हैं इसको, शकील बिन अनीब को उनको अपना अमीर मानते हैं, शकील बिन अनीब और ईसा अलैहि सलाम जो थे ना, मतलब जिसके पेशेंट को भी मानता हूँ। सही बात है, उसमें क्या। तो अब ये तो यही चीज, अब लोग सब लोग सुनो, बहुत कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये जो बात गुमराहियत की बोला है, ये लोगों से मनवा रहा है, तो इससे फितना फसाद शहर में होगा कि नहीं होगा? है ना, तो ये मालेगांव में फितना फसाद भड़काने के लिए आए। अब इसके लिए, हाँ इसके लिए इनको क्या करना है? हम लोग देखो, हम लोग तो इसमें यही है कि तुम लोग पर वाजे कर दे के गुमराह है। अब उनकी गुमराही के लिए कुछ और सबूत चाहिए क्या? मेरा ये कहना है कि तुम लोग अपने हिसाब से समझदार लोग हो, क्या फैसला लेना है लो, इनको यहाँ से इनके सर्कल की पूरी मालेगांव के, मुझे पता है कौन कहाँ से आता है, पता है मैं बोलूंगा नहीं। ये लोग ना तो मालूम है, दो लोग आते हैं ना उनका पता चल जाएगा इतनी बात। यहाँ आते हैं ना इधर इलाके के अंदर तो देवबंदी बन के आते हैं, और बस स्टैंड के उधर नहीं नहीं जाते ना, तो वो लोग लेके गए ना, नहीं हरा साफा पहन के बैठे। हाँ बात समझ आ रही, उनको खाए तुमको नहीं पता, बोलो तुमको मालूम तो बोलो, हमको पता ना, हमको पता है, जिम्मेदारी ना उनके ऊपर, वो संभालते ना। बात समझ आ रही है, तो ये इस तरह खा रहे हैं लोगों को जमात उनके। इनका ना मौकिफ क्या है सुनो, इनका मौकिफ ये है कि तबलीगी जमात इनका एक गुमराह जमात। नहीं नहीं सुन लो ना मेरी बात, मैं अपनी बात बता रहा हूँ सुनो। और इनको ये कहा गया है कि तुम उसमें वक्त लगाओ, वक्त लगाने के बाद छोड़ो, मुझे बताए ना मैं शकीलों से बात किया हूँ, और उसके बाद ये वक्त लगाते हैं और उसके